अपने बयानों और किताबों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले आईएएस नियाज खान की पुस्तक ब्राह्मण द ग्रेट का विमोचन रविवार को उज्जैन में हुआ। इस मौके पर शंकराचार्य, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर, शैलेशानंद गिरी समेत ब्राह्मण समाज के लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस किताब को लेकर नियाज खान को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। ब्राह्मणों को लेकर लिखी गई ये बुक 4 महीने बाद हिंदी में भी पब्लिश की जाएगी। फिक्शन भी दो कैटेगरी होती है, रियलिस्टिक फिक्शन एंड प्योर फिक्शन। तो मैं तो इसको रियलिस्टिक फिक्शन कहूँगा, क्योंकि ठीक है जूनियर कौटिल नाम कोई व्यक्ति आपके डेट पर नहीं, सारे पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन जब उसके बैकग्राउंड के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक सत्य का एहसास होगा। एक आपको लगेगा नहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या होंगी, इसलिए मैं इसको रियलिस्टिक फिक्शन कहूँगा मैं, कि चीज़ें सारी काल्पनिक हैं लेकिन जब आप उसको अंदर जाएंगे तो लगेगा हमारे चारों तरफ हो रहा है, इसलिए मैंने उसको नाम रियलिस्टिक फिक्शन दिया है। देखिए अभी केवल टाइटल आया है ब्राह्मण द ग्रेट, लेकिन उस पर किसी ने कोई एक लाइन पढ़ा नहीं। किताब आज अपलोड हो गई है पहली बार, अभी कुछ घंटे पहले अमेजन पे चली गई है, ई बुक भी अपलोड हो गई। अब जब लोग पढ़ेंगे तब कटास करें तो ठीक है, अभी तो केवल टाइटल पढ़ के ब्राह्मण द ग्रेट और लोग कॉमेंट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। पढ़ने के बाद जो कॉमेंट आएगा तब स्वागत करूंगा, तब जवाब दूंगा उसको। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।